अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूँ इकरा मलिक। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है लिप एंड चीक टिंट। और मेरे पास इस टाइम जो मौजूद है वो है एसएल बेसिक का लिप एंड चीक टिंट। ये आप इसकी देख सकते हैं, इस तरह के ये बॉक्स में आता है, ये इसकी पैकेजिंग है, क्यूट सी बॉटल है एक ये। और इसके बारे में भी हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसकी प्राइस, इसकी पैकेजिंग और इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले आते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी इसकी कुछ यूँ है, इसको मैंने पहले भी अप्लाई करके चेक किया है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये कुछ इस तरह से ब्लेंड हो जाता है। ये ब्लेंड जल्दी हो जाता है, स्किन पे फोरी पिगमेंट नहीं छोड़ता है। लेकिन इसकी जो कुछ खामी है वो ये है कि जिससे आप फिंगर से ब्लेंड कर रहे हो तो ये इस तरह से पिगमेंट छोड़ता है। अब जब इसको स्किन पे अप्लाई करते हो तो ये उस तरह से, ये जिस तरह से ये डार्क कलर है उस तरह से पिगमेंटेड नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा आपको हल्का सा बिल्कुल शेड लाइट सा शेड देता है आपके फेस पे। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी स्किन से जल्दी फेड नहीं होता जब तक आप इसको अच्छी तरह से वॉश ना कर ले साबुन या फेस वॉश से। और अगर आप किसी फाउंडेशन या बीबी क्रीम पे भी अप्लाई करते हो तो ये स्किन पे रहता है। बाकी जो टिंट होते हैं वो जल्दी फेड हो जाते हैं या पसीना आने की वजह से फेड हो जाते हैं, या आप इसको पानी से अगर फेस वॉश कर लो तो उससे भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता है। इसकी जो ये खूबी है वो ये है। और इसकी जो एक बुरी बात लगी है मुझे वो ये है कि आपके ब्लेंड करते करते इतना ज़्यादा पिगमेंट छोड़ जाता है, इतना फेस पे पिगमेंट नहीं आता जितना ये फिंगर पे छोड़ जाता है या जैसे भी आप ब्लेंड कर रहे होते हैं इसको। और इसको लगाने के बाद अगर आप इसको हल्का सा ब्लशन से सेट कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको ब्लशन से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन में ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, आपके फेस पे पिगमेंट नहीं छोड़ता ये। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन आपकी स्किन पे पिगमेंट नहीं छोड़ता। इसको फटाफट से ब्लेंड कर लो तो हो जाता है, थोड़ी अगर चंद सेकंड भी लग जाए लाइक स्टिक पे ब्लेंड करते करते इधर पे आए तो आप तो ये पिगमेंट नहीं छोड़ता। और इसकी जो प्राइस है वो है 850। और अगर आप किसी अच्छे टिंट को देख रहे हैं जो रीजनेबल प्राइस में हो और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी हो और आपकी स्किन को कोई हार्म ना करे क्योंकि ऑर्गेनिक भी है, और ये शाइस्ता लोधी का है एसएल बेसिक का लिप एंड चीक टिंट। मेरे पास जो शेड है वो है पिंक पॉप, और इसके साथ ही आप इसको बाय कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये 10/9 रिकमेंडेड है, लेकिन सिर्फ इसका ये मसला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।